सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन इन दिनों सुर्खियों में काफी ज्यादा बने हुए हैं। वजह उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही है। हाल ही में खबरें आई थी कि बिग बॉस 14 ने राजीव सिंह को अप्रोच किया है घर में जाने के लिए, लेकिन इन सब बातों पर अब फाइनली चुप्पी तोड़ी है राजीव सेन ने कि आखिरकार हुआ क्या है, बिग बॉस 14 ने अप्रोच किया है या नहीं किया है, क्या वो जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदन ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। राजीव सेन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। अगर आपने देखा हो तो पिछले 2 महीने से उनकी पर्सनल लाइफ उनकी वाइफ के साथ चारू असोपा, जो कि खुद एक एक्ट्रेस है, उनके साथ में लेके उन लोगों के रिश्तों को लेके जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं। काफी समय पहले दोनों ने ही एक दूसरे के साथ में जितनी भी फोटोग्राफ थी, शादी की एल्बम थी, वो सब सोशल मीडिया से डिलीट कर दी थी। और फिर उसके बाद में राजीव दिल्ली वाले घर में रह रहे हैं और चारू असोपा मुंबई वाले घर में रह रही हैं। तो दोनों ही अलग अलग भी रह रहे थे, लेकिन हाल ही में राजीव ने एक फोटो शेयर करी जिसमें वो वीडियो चैट करते हुए नजर आए हैं चारू के साथ में, और उसपे कैप्शन दिया हाय चारू हाय राजीव। उसके बाद से ही फैंस को ये लगने लगा कि उनकी पर्सनल लाइफ ठीक हो रही है। जब उनको लगा पर्सनल लाइफ ठीक हो रही है, तो प्रोफेशनल लाइफ पे गौर किया गया कि राजीव सेन को अप्रोच किया गया है बिग बॉस 14 के लिए, और बिग बॉस 14 के लिए उन्हें अप्रोच करने के बाद शायद उन्होंने हामी भी भर दी है, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी है कि वो बिग बॉस के घर में अकेले आएंगे, ना कि कपल में आएंगे। यानी कि वो चारू असोपा के साथ नहीं आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं अकेले। अब ऐसे में दोनों के बीच में जो है वो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि राजीव सेन ने कुछ इस तरीके का जो है वो कमेंट किया है, और साथ ही उनसे उनकी रकम को लेके जो है डिस्कशन चल रहा है। तो इस तरीके से काफी सुर्खियां, काफी चीजें जो थी वो चल रही थी। अब हाल ही में सोशल मीडिया पर राजीव सेन ने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है नॉट इन बिग बॉस 14, यानी कि वो बिग बॉस 14 में फिलहाल नजर नहीं आने वाले हैं और ना ही उनको इस चीज के लिए अप्रोच किया गया है। ये जस्ट एक अफवाह है। और कई बार जब ये माना गया कि जब वो बिग बॉस 14 के लिए उन्हें अप्रोच किया गया है, तो लोगों ने ये तक सोचना शुरू कर दिया कि जो ये रिलेशनशिप को लेके जो ये बातें चल रही हैं, ये शायद लाइमलाइट में आने का एक तरीका है। अब आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस।